हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ अपने एक नए लेसन के साथ। एक सीक्रेट बता दूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस लेसन को कभी भूल नहीं पाएंगे, ये वादा है मेरा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, एक बात बता दूँ, रुमाल लेकर आ जाइए क्योंकि बहुत ही इमोशनल पोयम होने वाला है ये। और हाँ, बीच बीच में उठ के मत जाइएगा क्योंकि आखिर में है इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स के मतलब पोएटिक डिवाइसेस और बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोट्स जो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का पोयम नंबर 1 अ फोटोग्राफ, रिटन बाय शैली टॉसन, जो कि मैं ही हूँ। अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, इसका मतलब कि एक पिक्चर हजारों शब्दों जैसा होता है। हम पिक्चर से बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पिक्चर से आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। एक प्यारी सी फैमिली जो बहुत खुश है और बीच के किनारे खेल रही है। जो स्टोरी है ये शर्ली टॉसन और उनकी मदर की स्टोरी है। छोटी सी पोयम में उन्होंने अपनी लाइफ की सारी बातें कह दी। चलिए फिर शुरू करते हैं। अ फोटोग्राफ शर्ली टॉसन, यानी एक तस्वीर शर्ली टॉसन लेखिका के द्वारा। चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। चलो चलो हम खेलेंगे। हाँ हाँ चलो चलो, हमें तो अपना फोटो खिंचवाना है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी माँ लगभग 12 साल की थी और वो अपनी दोनों बहनों के साथ छुट्टियां बिताने गई थी। तीनों बहुत अच्छे से खेल रहे थे। दोनों बहनें मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था उन्होंने, और मेरी माँ ही उन तीनों में सबसे बड़ी थी। तीनों वहाँ खेल रही थी, वो समंदर के किनारे छुट्टियां बिताने गई थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. और देखो, वो तीनों समंदर के किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं अपने अंकल के साथ, और उनके अंकल उनको देख के हंस रहे हैं, और वो तीनों भी उनको देखकर हंस रही हैं। जो तीनों बहनें थी एकदम बिना हिले खड़ी थी और अपने बालों के पीछे से मुस्कुरा रही थी। उनकी स्माइल हेयर्स के बीच में से उभर कर दिख रही थी। तीनों अपने अंकल को देखकर हंस रही थी जो सामने कैमरा लेकर खड़े थे फोटो खींचने के लिए। एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा था मेरी माँ का, और ये घटना तब की थी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तब से लेकर आज तक जो वो समंदर था वो बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि प्राकृतिक चीजें नहीं बदलती हैं। फोटो खिंचवाते वक्त जैसा समंदर था आज भी बिल्कुल वैसा है, और उस समय समंदर तेजी से उनके बदलने वाले पैरों को धो रहा था। अब यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब है तेजी से बदलना। हम जो मानव है वो हमारा शरीर बदलते रहता है, टेम्पररी है, और समंदर जो है वो परमानेंट है, इसलिए समंदर आज तक नहीं बदला। लेकिन उस समय माँ और दोनों बहनों के पैरों को वो समंदर तेजी से धो रहा था। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. उस घटना को बीते हुए 20 से 30 साल हो गए। अब जब मेरी माँ उस फोटोग्राफ तस्वीर को देखती थी तो वो तस्वीर को देखकर बहुत हंसती थी,
और बोलती थी बेटी और डॉली को देखो और ये देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे कपड़े पहनाए हैं। जब हम समुंदर के किनारे छुट्टियां मनाने जा रहे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे कपड़े पहनाए हैं देखो। The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both we with the labored ease of loss. जो समंदर किनारे छुट्टियां बिताने वाला दिन था वो मेरी माँ का बीता हुआ कल था। वो उनका बचपन था और मेरे लिए बीता हुआ कल उनकी हंसी थी जो कि अपनी तस्वीर को देखकर हंसा करती थी क्योंकि अब दोनों ही नहीं रहा। यहाँ पे री का मतलब है नष्ट हो जाना। ये दोनों ही अब नष्ट हो गया है, कहीं खो गया है। मेरी माँ चल बसी तो उनके बचपन का वो जो नजारा था वो खो गया और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी खो गई। मुझे मेरी माँ के जाने का और मेरी माँ को वापस न मिल पाने वाला बचपन का दुख था। हम दोनों ने ही बहुत मेहनत की थी अपने आप को आराम और सुकून पहुंचाने की। इस नुकसान की भरपाई करने में हमें बहुत मेहनत लगी। इस दुख से हमें बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाने का मौका मिला। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silences. आज मेरी माँ को गुजरे हुए बहुत साल हो गए, उतने ही साल जितने साल की वो उन दिनों उस तस्वीर में थी। लगभग की 12 साल हो गए हैं मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए। उस फोटो में तस्वीर में भी तो वो 12 साल की ही थी और आज जो परिस्थिति है वो कुछ कहने लायक ही नहीं है और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। आज की परिस्थिति को जो चुप्पी है वो मुझे पूरी तरीके से खामोश कर देती है। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पोयम बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा होगा क्योंकि ये जो पोयम है बहुत इमोशनल कर देने वाला पोयम था जो कि शैली टॉसन ने लिखा था। अब चलिए हम वर्ड जर्नी कर लेते हैं। मैं फटाफट आपको ये सारे वर्ड्स के मतलब समझा देती हूँ। कार्डबोर्ड का मतलब है एक ऐसा टुकड़ा जिसमें कि हम फोटो वगैरह लगा सकते हैं। पैडलिंग, पहले बता चुकी हूँ, पानी में नंगे पैर धीरे धीरे चलना। होल्ड यानी पकड़ के रखना। अपीयर यानी दिखना। टेरिबली का भी मतलब मैंने बता दिया था, बताओ तो क्या है, याद आया? तेजी से। ट्रांजिएंट का भी मतलब मैंने बताया था, चलो चलो जल्दी से बताओ। टेम्पररी यानी जो हमेशा नहीं रहता। लाफ्टर इसका मतलब तो सब जानते ही होंगे, हंसना। स्नैपशॉट यानी तस्वीर। बीच यानी समंदर का किनारा। राई का मतलब भी मैंने बताया था, सोचो सोचो, नष्ट हो जाने वाला। लेबर्ड का यानी बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना। ईज यानी आराम। सर्कमस्टेंसेस यानी सिचुएशन यानी कंडीशन यानी बताइए बताइए परिस्थिति। यस। साइलेंस, साइलेंस का मतलब है शांत, एकदम शांत। चलिए अब हम पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस वो होती हैं जो कि एक पोएट अपने पोयम में यूज करते हैं, जिसको कि हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि इसमें क्या यूज किया गया है, अलिटरेशन। पहला अलिटरेशन डिवाइस यूज किया गया है जिसमें कि एस का बार बार यूज हुआ है। देखो, द साउंड ऑफ हैज बीन रिपीटेड, स्टूड स्टिल, टू स्माइल, इसमें एस यूज हुआ है। ट्रेबली ट्रांजिएंट में टी यूज हुआ है। साइलेंसेस, साइलेंसेस में एस यूज हुआ है, तो ये अलिटरेशन है। फिर दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि ऐसी चीजें का एक ह्यूमन के
क्वालिटी से कंपेयर करना जो कि नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड क्या शो कर रहा था? ह्यूमन के इमोशंस को शो कर रहा था। और साइलेंस, साइलेंसेस का मतलब ये क्या शो कर रहा था? ये भी ह्यूमन के इमोशन को शो कर रहा था, कितने दुख को शो कर रहा था। कार्डबोर्ड खुशी को शो कर रहा था, साइलेंस दुख को शो कर रहा था। अब हम तीसरा करने जा रहे हैं पैराडॉक्स। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसने हमें पोएट ने यूज किया है पोएम में। ये होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक दूसरे का विरोधाभास है। जैसे कि हमने सेंटेंस में पढ़ा था लेबर्ड इज, लेबर्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम और इज का मतलब होता है आराम, और दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, है ना, विरोधी है। इसीलिए ये पोएट ने पैराडॉक्स डिवाइस को इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसको ऑक्सीमोरन भी बोलते हैं। इस पोएम में कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं। पहले भी मैंने समझा दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। साइलेंस, साइलेंसेस, यानी कि एक ऐसी घटना जो कि हम बातों से शो नहीं कर सकते, इंसान को एक बार स्तब्ध कर देता है, जैसे कि किसी का मर जाना, इंसान एकदम शांत हो जाता है। इसमें साइलेंस ये बताता है कि पोएट भी लास्ट में एकदम शांत हो गए, कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं उनके पास, क्योंकि मौत एक सच्चाई है और उनकी माँ उनसे दूर हो चुकी थी, ये तो सच्चाई है। ये सच्चाई को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और वो लास्ट में बिल्कुल साइलेंट हो गई थी। दूसरा है दिस सर्कमस्टेंस। अब दिस सर्कमस्टेंस का क्या मतलब है? आज की परिस्थिति, आज की परिस्थिति ये है कि उनकी माँ अब उनके पास नहीं है, और जो उनको दर्द होता है उनकी माँ को याद करके, अब ये दर्द उनके पास हमेशा रहेगा। तो इस दर्द से उबरना उन्हीं को है, इस दर्द को भूलना उन्हीं को है। तो ये दिस सर्कमस्टेंस का ये मतलब होता है। और थर्ड है ट्रांजिएंट फीट। ये तो मैंने समझाया, याद करिए। ट्रांजिएंट फीट का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स के फीट, यानी हमारे पैर, यानी हमारा शरीर। हमारा शरीर हमेशा बदलता रहता है, यहाँ तक कि हमेशा रहता भी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, क्योंकि मौत हमें आनी ही आनी है, हमें तो मरना ही है, तो हम परमानेंट कैसे हो सकते हैं? इसी चीज को पोएट ने ऐसे तरीके से बताया, ट्रांजिएंट फीट, यानी कि बदलने वाली पैर, जो कि पानी धो रहा था, समंदर का पानी, याद करो। अब एक बार फिर से हम पोएम को रिवाइज कर लेते हैं। इसके तीन स्टेजेस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला था अर्ली एडोलेसेंस, यानी उनका बचपन, पोएट का बचपन। उसमें क्या होता है? पोएट की माँ जो है वो पोएट की माँ अपनी दोनों बहनों के साथ बीच में खेल रही थी, और वो फोटो खिंचवाने के लिए बीच में गई थी। फिर उनका आता है सेकेंड स्टेज एडल्टहुड, जिसमें वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। बड़ी हो जाती है मतलब वयस्क हो जाती हैं। 20-30 साल के बाद उनकी माँ को याद आता है, जब वो अपना फोटोग्राफ देखती है, अपनी पुरानी बचपन की यादें उनको याद आ जाती हैं। तीसरा स्टेज है डेथ, यानी मौत। पोएट जो कि उनकी बेटी है, उनके मन में उनकी माँ की यादें हमेशा ताजा रहेंगी। वो फोटो को देखकर उनकी माँ की हंसी उनको याद आती थी, और पोएट के मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता था लाइफ को लेकर, एग्जिस्टेंस को लेकर, यानी इंसान कैसे जिंदा होता है, पैदा होता है, खेलता है, अपना जीवन बिताता है और फिर मर जाता है। मैंने तो आपको पोएट के बारे में बताया ही नहीं, चलिए पोएट के बारे में भी सुन लेते हैं। शैली टॉसन 20 मई 1924 में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। वो बहुत ही पैशनेट थी अपने राइटिंग को लेकर, और वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी अपने पिता से, क्योंकि उनके पिता भी एक लेखक थे, और उन्होंने बीए लिटरेचर किया था लंदन में 1953 में, और वो अपना करियर मैगजीन्स में लिखने से शुरुआत किया था उन्होंने। उनकी मृत्यु
94 इयर्स की एज में हो गई। वो बहुत ही अच्छी पोएट थी, एक टीचर भी थी मेरे जैसी, और एजुकेशनल जर्नलिस्ट थी और एक एडिटर भी थी। उनके फेमस बुक का नाम है सेल्टिक ईयर, द ड्रॉवर्स रोड ऑफ वेकन, सॉमरसेट विथ बाथ एंड ब्रिस्टल। दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे नए दोस्त हैं तो दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है और फ्रेंड की बातें भी बहुत जरूरी होती हैं। इसलिए अपनी प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में ना लिखना भूले, लिखना ना भूले, उफ सॉरी। दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है ना, तो एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को लाइक करता है, तो जल्दी से मुझे लाइक कर दीजिए और एक प्यारे प्यारे दोस्त की तरह अपने दूसरे दोस्तों को भी मेरी फैमिली में हिस्सा बनाना अगर चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्त आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को बिल्कुल देखते रहिए, और हाँ किताबों में अपना दिल लगाइए। बाय बाय।